व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं, वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। अनुशासन एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति के स्वभाव का, उसके संस्कार का भाग बन जाती है। जब अनुशासन एक कार्य प्रतीत नहीं होता है जिसे पूर्ण किए जाने की आवश्यकता हो, उसी प्रकार जैसे श्वास लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी तो मन में उत्पन्न होने वाला लोभ, अहंकार और महत्वाकांक्षा है, जो भी इन तीन भावों के अधीन हुआ है वो असुर है। जब तक ये तीनों अवगुण इस संसार में रहेंगे, संसार पे कोई ना कोई संकट पनराता रहेगा। संसार में एकता नहीं होगी, समानता नहीं, संसार विभाजित रहेगा, द्वंद होगा। जो शक्तिशाली है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता रहेगा, जो निर्बल है उस पर सदैव अत्याचार होता रहेगा। फिर कोई शक्तियों को अर्जित कर भ्रमित होगा, स्वयं को ईश्वर समझेगा और उसका विनाश करने हेतु ईश्वर पुनः किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे।